पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन ने अब नया रूप ले लिया है। अब तक जिला स्तर से कर्मचारी इस क्रमिक अनशन में भाग ले रहे थे, लेकिन सोमवार से ब्लॉक स्तर से भी कर्मी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब क्रमिक अनशन को आगे बढ़ाने में ब्लॉक स्तर के सरकारी कर्मचारी भी अपनी भूमिका निभाएंगे। आगामी 15 सितंबर तक यह क्रम इसी तरह जारी रहेगा। एनपीएस ने सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए 15 सितंबर तक का समय पत्र के माध्यम से दिया है। उसके बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान शुरू होगा। सरकार यदि इनकी मांग को मान लेती है तो फिर सरकार के पक्ष में अगले मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा सरकार के विरुद्ध मतदान करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सरकार के साथ कोई बात नहीं हुई अभी, प्रधानमंत्री की है, हम ब्लॉक लेवल पे बैठे हैं, हमारे साथ कोई उनसे बात नहीं हुई। आगे की बिल्कुल ऐसे नहीं, ओपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए, और ये हमें उम्मीद है सरकार हमारी ये मांग के जरूरत जो हमारे राज्य कार्यकारी अगर नहीं मानी वो जैसे हमारी राज्य कार्यकारी बताएगी वैसे ही। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।